डॉक्टर मोहन यादव के आज धुआंधार चुनावी दौरे रहेंगे। आज अनूपपुर, रीवा, सतना, छतरपुर प्रवास पर सीएम मोहन यादव रहेंगे। सुबह 11:40 पर अनूपपुर की पुष्पराजगढ़ से स्थानीय कार्यक्रम और रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के करपा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए वो नजर आएंगे। बीजेपी उम्मीदवार हिमाद्री सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार को धार देते हुए मोहन यादव नजर आएंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे वो अपने दूसरे कार्यक्रम और रोड शो में भी नजर आने वाले हैं। दोपहर 3 बजे की बात करें तो सतना की चित्रकूट में स्थानीय कार्यक्रम और रोड शो का कार्यक्रम भी उनका रहेगा। उसके बाद शाम 4:20 पर छतरपुर के महाराजपुर में स्थानीय कार्यक्रमों और रोड शो में शामिल होते हुए सीएम मोहन यादव नजर आने वाले हैं। यहाँ पर 19 अप्रैल को प्रथम चरण में यानी पहले फेज में मतदान होगा। शाम 7 बजे खजुराहो पहुंचकर भोपाल रवाना हो जाएंगे। तो देखिए, ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम हमने आपको बताया कि किस समय वो कहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज दौरा रहेगा, धुआंधार चुनावी दौरे पर रहेंगे। अनूपपुर हो या फिर कोई और, रीवा हो, सतना हो, छतरपुर हो, इन तमाम लोकसभा क्षेत्रों पर वो प्रवास पर रहेंगे। दोपहर 3 बजे सतना के चित्रकूट में स्थानीय कार्यक्रम और रोड शो का हिस्सा वो रहेंगे। तो इसके बाद आपको बताएं कि शाम 4:20 पर वो दूसरे कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। चेतन सेठ मेरे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ वो लाइव जुड़े हुए हैं। और चेतन, आपका रुख करते हुए, क्योंकि आज एक के बाद एक कई सारे चुनावी दौरे डॉक्टर मोहन यादव के रहने वाले हैं, मिनट टू मिनट कार्यक्रम, आप जरा विस्तार से बताइएगा किस समय कहां पर मौजूदगी डॉक्टर मोहन यादव की रहेगी। देखिए, आज 4 जिले के मुख्यमंत्री मोहन यादव के दौरे रहने वाले हैं। सबसे पहला अनूपपुर, उसके बाद रीवा और सतना और छतरपुर, ये 4 मतलब 2 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। कहा जा सकता है कि लोकसभा के लिहाज से मुख्यमंत्री मोहन यादव को पूरे प्रदेश की जो जिम्मेदारी दी गई है, यही कारण है कि वो पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों के समर्थन में। नामांकन रैली में भी वो पहले शामिल हुए और अब बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। आज 11:40 बजे अनूपपुर वो पहुंचेंगे, जहाँ पर पुष्पराजगढ़ में एक स्थानीय कार्यक्रम रहेगा और रोड शो में वो हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा 1 बजे रीवा के सिरमौरा में रोड शो में शामिल होंगे। 3 बजे चित्रकूट में वो पहुंचेंगे, जहाँ पर एक बड़ा रोड शो करेंगे। और 4:30 बजे छतरपुर में एक बड़ा रोड शो करते हुए नजर आएंगे। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, उनके समर्थन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही रोड शो में शामिल होते हुए नजर आएंगे। 2024 के लिहाज से और लोकसभा चुनाव के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण उनका ये दौरा है कि जातिगत आधार पर भी इस दौरे को देखा जा रहा है। इसके साथ ही जनता ये चाहती है कि मुख्यमंत्री पहली बार बने हैं और ऐसे में वो हमारे पास बिल्कुल चेतन। लेकिन जब हम डॉक्टर मोहन यादव का बतौर सीएम यहाँ पर जिक्र करते हैं, मध्य प्रदेश के सीएम के तौर पर, तो उन्होंने काफी कम समय में बड़ी लोकप्रियता हासिल की है और ऐसे में लोगों के बीच में उनका प्रभाव भी, खास तौर पर कम समय में इतना खासा प्रभाव, अच्छा प्रभाव कम ही देखने को मिलता है किसी नेता के लिए। लेकिन जब वो चुनावी प्रचार करने के लिए आप पहुंच रहे हैं, तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, कार्यकर्ताओं की तरफ से क्या स्वागत की तैयारियां की गई हैं अलग अलग जगहों पर? देखिए, अलग अलग कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरे प्रदेश की जनता ये चाहती है कि वो सीएम बने और वो चुनावी दौरे में वो हमारे इलाके में आए। हर जगह से उनकी डिमांड आ रही है। यही कारण है कि खासतौर पर उन्हें पूरे प्रदेश की जो 29 लोकसभा सीटें हैं, उन पर उन्होंने मिशन बनाया है कि वो चुनाव में के दौरान सभी 29 लोकसभा सीटों पर जाएंगे और सभी प्रत्याशियों के समर्थन में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और एक बड़ी भव्य रैली निकाली जाएगी। तो आज 4 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं और 4 बड़ी रैली होंगी। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव का इंतजार है। इसके साथ ही कई प्रदेश के मंत्री भी उनके साथ जो है मंच पर देखने को मिलेंगे। ठीक है चेतन, अपनी नजर आप इस खबर पर भी बनाकर रखिएगा, बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे जानकारी हम साझा करेंगे।